हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके सफ़ेद हुए बालों को बिल्कुल ब्लैक बना देगा। इंस्टेंट बनाना है, इंस्टेंट अप्लाई करना है दोस्तों, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। दोस्तों, ये जो रेमेडी है ना, ये आपके बालों के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाला है। वैसे भी अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो ऐसे में लोग मेहंदी लगाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत ईजली आप इसे बना भी सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको ले लेना है एक क्लीन बाउल और इसमें सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ एलोवेरा लीफ पाउडर। ईजली आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आप एलोवेरा जो फ्रेश आता है ना, उसे भी पीस के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है हमारे बालों के ऊपर, हमारे बालों को नरिशमेंट देता है। सेकेंड, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक चम्मच इतना कॉफ़ी पाउडर। ये जो कॉफ़ी के जो 2 रुपए की जो पाउच आती है ना, बस इस सैसे से आपको आधा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत अच्छा काम करता है, हमारे बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाता है। सेकंड, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसे आप घर पे भी ग्राइंड कर सकते हैं, मेथी दाना पाउडर, जिसे कि हम फेनुग्रीक सीड पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वो भी ऐड कर देना है। अब लास्ट पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, वो है इंडिगो पाउडर, यानी कि नील पत्ती पाउडर। आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप से भी इसे ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होता है। बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ख़ास चीज़ ऐड करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच इतना नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे 1 चम्मच इतना आपको ऐड कर देना है ताकि आपके बालों पर नरिशमेंट बने रहे। नेक्स्ट जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा काम करेगा और आपके सफ़ेद हुए बालों को बिल्कुल ब्लैक बना देगा। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, इसे आप इजली कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी अभी जो ठंड का सीज़न आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आंवला की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आंवला जूस ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं, उसे ग्रेट करके भी उसका जूस ऐड कर सकते हैं। मैं पतंजलि का जूस ऐड की हूँ, 2 चम्मच इतना मैं ऐड की हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक हेयर डाई पेस्ट जो होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह ये बनकर रेडी हो जाता है। इसलिए आप इसे अपने बालों पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, लगाने का तरीका वैसे ही है जैसे कि हम हीना लगाते हैं, जैसे कि कोई हेयर डाई लगाते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में आपको लगा के बता भी चुकी हूँ। तो बस उस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है, 1 से 1.25 घंटा के लिए अपने बालों पर रहने देना है। फिर केवल और केवल नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, अच्छी तरह से तेल लगाना है उस दिन रात में, और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। दोस्तों, आपको बिल्कुल इसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं जिन्हें भी ये रिकमेंड की हूँ, सबका मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।